तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट चार का रिटन वर्क। आप लोग को जो मैं वर्क बता रही हूँ वो सारा अपनी कॉपीज़ में करना है और हिंदी कॉपीज़ की फर्स्ट साइड में करना है। ये हिंदी प्रोज का पार्ट चार है। सबसे पहले लिखेंगे डेट 14/7/21 और इसके बाद हेडिंग लिखेंगे पार्ट चार जैसे को तैसा। इसका श्रुतलेख आएगा। सबसे पहले हेडिंग आती है श्रुतलेख की, तो इसका श्रुतलेख लिखेंगे तालाब, लोमड़ी, बगुला, चालाक, भोजन, सजा, परोसा, मछली, इरादा, सुराही। श्रुतलेख के बाद करेंगे शब्द अर्थ। पहला है चालाक, इसका अर्थ है चतुर। दूसरा वर्णा, इसका अर्थ है अन्यथा। तीसरा जिद, इसका अर्थ है आग्रह। चौथा परोसा, इसका अर्थ है खाने के लिए रखा। पांचवा इरादा, इसका अर्थ है निश्चय। छठा सजा, इसका अर्थ है दंड। और लास्ट है क्षमा, इसका अर्थ है माफ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे वर्क श्रुतलेख से, उसके बाद करेंगे शब्द अर्थ और इसके बाद हेडिंग आएगी सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो पहला है बगुला कहाँ रहता था, तालाब में, पेड़ पर या गुफा में। तो बगुला तालाब में रहता था, तालाब में, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है बगुला लोमड़ी को खाने के लिए क्या देता था। तो बगुला लोमड़ी को छोटे छोटे मेंढक खाने को देता था, मछलियां खाने को देता था या छोटे छोटे सांप देता था। तो इसका उत्तर है मछलियां। मछलियां के सामने सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है लोमड़ी ने खीर किस में परोसी, सुराही में, थाली में या कटोरी में। तो इसका उत्तर है थाली में। इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद हेडिंग आएगी प्रश्न उत्तर की। पहला है तालाब कहाँ था, तो इसका उत्तर लिखेंगे तालाब जंगल में था। दूसरा लोमड़ी ने दावत में क्या बनाया, तो लोमड़ी ने दावत में खीर बनाई, यह है इसका उत्तर। तीसरा है क्या बगुले ने लोमड़ी को क्षमा कर दिया, तो लिखेंगे हाँ, बगुले ने लोमड़ी को क्षमा कर दिया। ये तीन प्रश्न उत्तर हैं। इसके बाद हेडिंग आएगी किसने कहा और किससे कहा, यानी कि यहाँ जो वाक्य लिखे हैं हमें वो बताना है कि इस पार्ट में वो वाक्य किसने किससे कहे थे। तो पहला है मैं तुम्हें दावत देना चाहती हूँ, तो लोमड़ी ने बगुले से कहा। पहले लिखेंगे लोमड़ी, फिर लिखेंगे बगुले। दूसरा है तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं कल ही आ जाता हूँ, तो ये बात कही थी बगुले ने लोमड़ी से। तो पहले लिखेंगे बगुले और फिर लिखेंगे लोमड़ी। फिर है भोजन में मज़ा आया ना, तो ये बात किसने कही थी, बगुले ने लोमड़ी से। तो पहले लिखेंगे बगुले और फिर लिखेंगे लोमड़ी। लास्ट है भाई तुमने मुझे ठीक सजा दी, तो ये कहा था लोमड़ी ने बगुले से। तो पहले लिखेंगे लोमड़ी और फिर लिखेंगे बगुले। इसके बाद हेडिंग आएगी सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। यहाँ पर बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर रिक्त स्थान है, हमें बॉक्स में से शब्द देखकर, शब्द चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। पहला है लोमड़ी बहुत डैश थी, तो इसका उत्तर आएगा चालाक, लोमड़ी बहुत चालाक थी। दूसरा बगुला अगले दिन डैश के घर पहुंच गया, तो इसका उत्तर आएगा लोमड़ी, बगुला अगले दिन लोमड़ी के घर पहुंच गया। फिर लोमड़ी थोड़ी ही देर में सारी डैश खा गई, तो क्या खा गई थी वो, खीर। लोमड़ी थोड़ी ही देर में सारी खीर खा गई। इसके बाद है बगुला लोमड़ी की चालाकी को समझ गया, इसका उत्तर क्या है, चालाकी। फिर है बगुले ने उसे डैश कर दिया, तो बगुले ने क्या कर दिया उसे, क्षमा, इसका उत्तर आएगा क्षमा। इसके बाद हेडिंग आएगी समझो और बहुवचन बनाओ। अब यहाँ पर एक वचन वाले शब्द दे रखे हैं और इसके सामने हमें इसके बहुवचन लिखने हैं। एक उन्होंने करके दिखाया है, जैसे मछली मछलियाँ, फिर लोमड़ी लोमड़ियाँ, थाली थालियाँ, सुराही सुराहियाँ, गलती गलतियाँ और चालाकी चालाकियाँ। तो इस तरह से आप लोग को इन शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। और ये लास्ट हेडिंग है शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाओ।
यहाँ पर ये शब्द आगे पीछे लिखे हुए हैं, हमें इनको ठीक से लिखकर एक वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है तालाब एक था में जंगल, तो हमने इसका ठीक वाक्य बनाया है जंगल में एक तालाब था। दूसरा, तालाब के पास थी लोमड़ी एक रहती, तो इसका क्या वाक्य बना, तालाब के पास एक लोमड़ी रहती थी। और लास्ट है, लोमड़ी नहीं सकी खा मछली एक भी, इसका वाक्य बना है लोमड़ी एक भी मछली नहीं खा सकी। तो इस चैप्टर का रिटन वर्क यहाँ तक है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड डू ऑल दिस वर्क इन योर कॉपीज़।